राजस्थान बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में आपकी दो बुक्स है, रेनबो और पेनोरमा, जिसमें से हम रेनबो की जो 5 पोएम्स है उनको हम देख चुके हैं। इसके अंदर रेनबो बुक के अंदर 5 पोएम्स है आपके, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और 11 चैप्टर्स हैं। इसमें से आज हम एक चैप्टर देखेंगे, इंडियंस गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। पांचवा जो चैप्टर है ये इंडियंस गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, इसके दो पार्ट है, हाउ योगा हील्स और दूसरा है प्योरिटी इज पावर। तो इसमें से इसका पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है हाउ योगा हील्स, इसको हम देखते हैं। इसके राइटर है टिमोथी बर्किन। इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, भारत के दुनिया को संसार को उपहार, और सब पहला पार्ट है हाउ योगा हील्स, योगा कैसे ठीक करता है बीमारियों को, हील्स यानी ठीक करना, सही करना। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू, यह एक कॉमन नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है कि योगा जो है हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। करंटली योगा इज being used as a therapy for cancer, infertility, lung disease, multiple sclerosis, Parkinson's disease, insomnia, high blood pressure and joint pain. अभी जो है हाल ही के वर्षों में योगा का एक उपचार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इन बीमारियों को ठीक करने में। बीमारियां देखते हैं कैंसर को ठीक करने में, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, संतानहीनता की बीमारी, लंग डिजीज फेफड़ों की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्नायु तंत्र की एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किसंस डिजीज़ जो है मांसपेशियों की बीमारी है जिसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, नींद नहीं आना, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप एंड जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द। तो इन बीमारियों का उपचार करने में वर्तमान में योगा का एक थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यट देयर इज़ वेरी लिटल अवेयरनेस यानी जागरूकता एंड अंडरस्टैंडिंग, हालांकि इस बात की बहुत कम जागरूकता है, अवेयरनेस है और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ है, ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, इस बात की बहुत कम समझ है कि वास्तव में योगा जो है बीमारियों को ठीक कैसे करता है, इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, यहाँ तक कि जो योगा और चिकित्सा समुदाय है उनके अंदर इस बात की बहुत कम समझ है, उनके अंदर भी बहुत कम समझ है कि योगा बीमारियों को ठीक कैसे करता है। ये तो कॉमन नॉलेज है कि योगा बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन कैसे ठीक करता है इसकी समझ बहुत कम है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस योगा एंड डिजीज़, तो इसको अगर हमें समझना है कि योगा जो है बीमारियों को ठीक कैसे करता है, तो उसका जो मूल है इस बात को हमें समझना पड़ेगा, उसके मूल में जाने के लिए, उसको समझने के लिए कि योगा बीमारियों को ठीक कैसे करता है, उसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस तनाव योगा और बीमारी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके आपस में क्या संबंध है। जब हम उनके रिलेशनशिप को समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि योगा बीमारियों को ठीक कैसे करता है, किसका रिलेशनशिप, स्ट्रेस योगा और डिजीज़, तनाव योगा और बीमारी का संबंध। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। मेडिकल रिसर्च जो है वो अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि 90% बीमारियां जो होती है और रोग होते हैं वो तनाव के कारण होते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। अ फ्यू ऑफ द मैनी डिजीजेज एंड कंडीशंस दैट हैव बीन लिंक्ड टू अ ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स इंक्लूड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एट्सेट्रा। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक तनाव के कारण होती है, उसमें से है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो है वो है हृदय और रक्तवाहिनियों की बीमारियां, डिप्रेशन अवसाद, एंग्जाइटी यानी चिंता, और इस कुछ तरह की मधुमेह की जो बीमारी है वो। What we feel as stress is the product of the sympathetic nervous system or the fight or flight response. तनाव जिसे हम feel करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, वो एक sympathetic nervous system, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, sympathetic nervous system यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, उसका एक उत्पाद है, और इसका दूसरा नाम fight or flight response भी है, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया।
फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट यानी भाग जाना, मतलब आपके सामने जो मुश्किल परिस्थिति आ रही है उससे या तो आप लड़ो या फिर उससे भाग जाओ। एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्च इन हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विथ अ टेंसिंग ऑफ मसल्स। और जो तनाव जो हम फील कर रहे हैं ये किसका प्रोडक्ट है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का है। और उसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत, इमीडिएट सर्ज यानी बढ़ जाना मात्रा, किसकी मतलब दर बढ़ जाना, हार्ट रेट, हृदय की जो गति है वो अचानक से बढ़ जाती है, तुरंत बढ़ जाती है। कार्डियक आउटपुट, उसमें बढ़ोतरी होती है हृदय की कार्यशीलता में, रक्तचाप बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, शैलो ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म। और जो सांस जो हमारी है, जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, उपापचय की जो क्रिया है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कंबाइंड विथ टेंसिंग ऑफ मसल्स। और मांसपेशियां जो है उनमें तनाव आने लगता है, किसके कारण, स्ट्रेस के कारण। और स्ट्रेस किसका प्रोडक्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इंटरनली आंतरिक रूप से क्या होता है इसका प्रभाव शरीर के ऊपर, द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। और आंतरिक तौर पर ये जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है ये क्या करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहते हैं, शट डाउन यानी बंद कर देता है डाइजेशन को, उपापचय को, और एलिमिनेशन यानी उत्सर्जन को, एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। और रुधिर का जो प्रवाह है आंतरिक अंगों की तरफ, उसको ये बंद कर देता है। तो बाहरी तौर पे तो हम देखते हैं कि ब्रीदिंग पे, हार्ट रेट पे और इस पर असर पड़ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर का जो उपापचय तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन की जो क्रिया है उसको बंद करता है, और रुधिर का जो अंगों की तरफ प्रवाह है उसको कम कर देता है, रिड्यूस यानी कम करना। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज अ गुड थिंग। कुछ समय के लिए जो ये स्ट्रेस की रिएक्शन है वो क्या है, अच्छी है शरीर के लिए। अचानक से हमारे सामने कोई चुनौती आ जाती है तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो हमारा, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो कुछ समय के लिए तो ये जो स्ट्रेस रिएक्शन है, तनाव जो हमें उत्पन्न हो रहा है और जो रिएक्शन हो रही है, जो प्रतिक्रिया हो रही है उस सिचुएशन के लिए, वो अच्छी है। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट by fighting against it or fleeing from it। अगर कुछ देर के लिए ये हमें प्रिपेयर करता है, तैयार करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, कि हमारे सामने जो पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो रहा है, एनवायरमेंटल थ्रेट जो आ रही है, थ्रेट यानी यहाँ पे खतरा, तो हमारे सामने जो चुनौती आ रही है, खतरा आ रहा है, उससे लड़ने के लिए हमें तैयार करता है, या तो हम उससे लड़ लें या उस परिस्थिति से हम भाग जाएं। मतलब ये हमारे लिए कुछ समय के लिए तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल। लेकिन लंबे समय तक अगर लगातार हम स्ट्रेस जो अगर उत्पन्न होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, तनाव रहता है, तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडीज सिस्टम्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो सिस्टम है, जो हमारे शरीर का जो तंत्र है, उसमें बहुत सारी टूट फूट हो जाती है, एंड सीवियरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस यानी रख रखाव। और शरीर का जो स्वाभाविक जो रख रखाव की जो प्रक्रिया है, बॉडी जो है अपने आप मेंटेनेंस करती रहती है, उसको ये सीमित कर देता है। एंड हीलिंग एबिलिटीज, और जो हील करने की बॉडी की जो योग्यता है, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ कमी है, कुछ घाव है, या जो रख रखाव अपने आप होता है, ये नेचुरली अपने आप जो होता है, जो प्रक्रिया है, उसको ये लिमिटेड कर देता है, सीमित कर देता है, और शरीर के अंदर टूट फूट होने लगती है। तो लंबे समय तक जो ये स्ट्रेस है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल। और क्रॉनिक यानी लंबे समय तक, लगातार अगर स्ट्रेस रहता है तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली लगातार कॉर्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है, उसका लेवल जो है वो बढ़ेगा, उच्च रहेगा। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। और ये हार्मोन जो है कॉर्टिसोल हार्मोन, इसका अगर नॉर्मल लेवल है, सामान्य स्तर है हमारे शरीर के अंदर, तो ये हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है, हेल्दी बॉडी रहती है हमारी, हम एक्टिव रहते हैं, और हमारे रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, उपापचय को, और ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को।
बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, लेकिन अगर लगातार स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, तो इसका जो लेवल है कॉर्टिसोल हार्मोन का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसका जो एक्सेसिव अमाउंट है, अत्यधिक जो इसकी मात्रा हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर कॉर्टिसोल की, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। सप्रेस यानि उसको दबाना, ख़त्म करना, तो वो इम्यून सिस्टम को, हमारे जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसको ये सप्रेस कर देगा, उसको थोड़ा धीमा कर देगा, एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और हमारी नींद में जो है व्यवधान उत्पन्न होगा, डिस्टर्बेंसेस यानी व्यवधान बाधा, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख की कमी हो जाएगी, हमें भूख नहीं लगेगी। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और दूसरा इसका क्या असर पड़ेगा, कॉर्टिसोल का हाई लेवल होने से आपकी जो हार्ट रेट है, हृदय की गति है, वो बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है एक प्रकार की, उनका लेवल बढ़ जाएगा, और उसका लेवल बढ़ने से क्या होगा, रिस्क फैक्टर्स फॉर बॉडी हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, उससे क्या होगा, हार्ट अटैक्स की संभावना, और स्ट्रोक्स का यहाँ पे अर्थ है पक्षाघात, लकवा, उसकी संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट्स एज सेडेटिव्स विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड, स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, और इसके जो सह उत्पाद होंगे, कॉर्टिसोल की जब मात्रा ज़्यादा होगी तो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे इसके साथ में, और जो उत्पाद बनेंगे वो क्या करेंगे, सेडेटिव्स का काम करेंगे। सेडेटिव्स मतलब नींद लाने का काम करेंगे, जैसे हम ऐसे खोए हुए रहेंगे और मूड में चेंजेस आएंगे हमारे, और स्पेशली ऐसी फीलिंग्स आएगी जो कि किस में होता है, डिप्रेशन में। तो ये बात हमें पता है कि लंबे समय तक जो तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, वो आखिर में व्यक्ति को कहाँ लेके जाता है, डिप्रेशन, अवसाद में लेके जाता है, जिसे अवसाद बोलते हैं। तो नींद आना, मूड में चेंजेस होना, तो इस तरह के उसके परिणाम होंगे, किसकी वजह से, कॉर्टिसोल हार्मोन की एक्सेसिव क्वांटिटी होने से। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द बॉडी हैज़ अ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, लेकिन सौभाग्य से हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से इसको काउंट बैलेंस करने का एक और सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को, लड़ो और भागो प्रतिक्रिया जो है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, इसको संतुलित करने की हमारे बॉडी के अंदर एक स्वाभाविक जो सिस्टम है, नेचुरल काउंटर बैलेंस है, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी तनाव मुक्ति प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड, और ये जो है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सक्रिय कब होता है, एक्टिवेटेड यानी सक्रिय होना, जब थ्रेट, खतरा जो है, और जो तनाव उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, स्ट्रेसर हैं, वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो परिस्थिति जो है, जो मुश्किल हालात वाली परिस्थिति है, जो खतरा है, चुनौती है, वो ख़त्म हो जाती है, तब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय होता है। बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इसको हम कॉन्शियसली, मतलब अपने मन से इसको एक्टिवेटेड कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको सक्रिय कर सकते हैं, बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड बाय रिलैक्सेसिंग द स्केलेटन मसल्स। कैसे कर सकते हैं, डीपनिंग द ब्रीथ, गहरी सांस लेकर, एंड बाय रिलैक्सेसिंग द स्केलेटन मसल्स, और जो हमारे अस्थि पंजर की जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करके हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, किसको, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो कि किसको संतुलित करता है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को संतुलित करता है। कहने का मतलब है, जब आपके सामने मुश्किल परिस्थितियां हैं तो उसको आपको कंट्रोल करना है, तो आप गहरी सांस लेकर स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स करके आप पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी में संतुलन बना रहेगा। और ये हम किससे कर सकते हैं, ब्रीथ डीपनिंग करना और स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करना योगा से, जिसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास में।